तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी ब्रांड का प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेंगे, ये आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा जहाँ पे सीमेंट और ये सब मिलता है, फिर क्राफ्ट के स्टोर पे भी मिल जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा वाटर लिया है, ग्लू लिया है, और जिस पे भी आपको क्राफ्ट वर्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मटका लिया हुआ है और एक कप्पा नूडल का वो एक कप रखा हुआ था वो लिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा किसी बाउल में या किसी भी आप कंटेनर में पीओपी और वाटर को मिक्स करिए, आप एक यू नो कंसिस्टेंसी तैयार करनी है, बिल्कुल स्लरी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसा स्क्रीन में दिख रहा है बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, जैसे कोई एकदम वाटरी ना हो, रनी भी ना हो, बस मतलब जैसे आप ढोकले का बैटर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ग्लू डाल दिया है और उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, और अब मैं उसको मटके पे ऐसे लगाऊंगी, और बहुत रफली आपको लगाना है ताकि हमारे जो मटके या फिर जो भी सरफेस है उसको थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाए। तो मैंने पहले ऐसे मटके पे लगा लिया और उसको ऐसे हल्का हाथ से टैप 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 कर देंगे, तो ऐसे जैसे वो नुकीलियाँ जैसे निकल जाती उठ जाएगा, उसको एक अलग सा टेक्सचर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको वैसे करना है, और अगर आप चाहें आपको स्मूथ सरफेस चाहिए तो डेफिनेटली आप बिल्कुल एकदम स्मूथ ही उसको कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आराम से सूख जाता है एकदम फटाफट से, अगर वेदर अच्छा है तो एकदम फटाक से आधे घंटे में सूख जाएगा। बट फॉर द यू नो फॉर सेफर रीज़न मैं उसको एक पूरा प्रॉपर दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। फिर मैं उसके जो मटके के जो एजेस हैं उस पर भी ऐसे ही लगा लूँगी। और मैंने यहाँ पे टोटल चार बनाए थे, दो मटके और एक ऐसे कप्पा नूडल का कप लिया हुआ था मैंने, उस पर भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल इसको स्मूथ कर सकते हैं, पर एक मैं थिक लेयर लगा करके उसको हाथ से फिर टैप करके एक अलग सा उस पर टेक्स्चर आ जाएगा। या फिर आप कुछ तरह के कोम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलग सा टेक्स्चर लेने के लिए, पर मैंने यहाँ पे हाथ का ही इस्तेमाल किया है, और ये बिल्कुल आराम से हो गया। और उसी तरह लगा के उसके भी एजेस को हम अच्छे से परफेक्टली मतलब जितना दिखता है उतने सरफेस आपको लगाना है अच्छे से, एंड लेट इट ड्राई फॉर वन डे। अगर आपको जल्दी मल्दी बनाना तो हाफ डे के लिए रख सकते हो आराम, तब तक भी अच्छे से सूख जाएगा। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया और ऐसे वाइट टेक्सचर में आ जाएगा। मैंने वो बेस के लिए मैंने उसको एक दिए के ऊपर रखा हुआ था, उसी तरह मैंने यहाँ पे टोटल चार बनाए, दो मटके लिए थे और ऐसे ही दो कप्स भी बनाए हैं। और अब मैं जो है स्टार्ट करूँगी उस पर क्राफ्टिंग करना। तो आप यहाँ पे क्ले ले लीजिए, क्ले आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पेडीलाइट का लिया था, आप चाहें तो फेविक्रिलिक का भी ले सकते हो, और दोनों जो रेजिन और हार्डनर होता है दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको डो बनाना है, अंटिल एंड अनलेस जब तक आपका ऐसा डो ऐसा ना हो जाए। और अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्लावर्स बनाऊंगी, तो आपको भी वैसे ही फ्लावर्स बनाने हैं। यहाँ पर ये मैंने एक ड्रॉप शेप में वो ले लिया, और अब मैं उसको एक फ्लावर के तरीके से चिपका रही हूँ, और आप इसमें नॉर्मल ग्लू यूज करिए, और ज़रूरी नहीं आपको आपको कुछ हार्ड चीज़ ही यूज करें स्टिक करने के लिए। मैंने नॉर्मल फेविकॉल लिया था, उसी से मैं स्टिक कर रही हूँ। और आप थोड़ा सा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फ्लावर अच्छे से नहीं बन रहा उसको मतलब स्मूथ करने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक बॉल बनाई है और उसको छोटी सी सीजर्स की हेल्प से लेकर उसे रफली मैं कट कर रही हूँ। मैं एक दूसरे तरह का फ्लावर बनाऊँगी, सनफ्लावर जैसा। तो आप एक बॉल बनाइए वो जो डो है उसका, और एक छोटी सीजर की हेल्प से उसको कट करते जाइए बहुत रफली। मैंने वैसे कट कर लिया है, और एक मैंने एक छोटा सा गोल सा बनाया, फ्लैट सर्किल बनाया, उसके ऊपर मैं जो मैंने कट किया है उसको धीरे धीरे स्टिक करती जाऊंगी, और एक वो 3D सनफ्लावर के तरीके से बन जाएगा। ये फ्लावर्स जो है क्ले के फ्लावर्स बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हैं, और ज़रूरी आप फ्लावर का ही डिज़ाइन लें, आप और भी कुछ डिज़ाइन डालना चाहते हैं उसके ऊपर तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत तरह तरह के फ्लावर्स जो है यूज़ करके मटके को डेकोरेट किया था। उसमें मैं बीच में एक छोटा सा ले करके
उसके ऊपर लगा लूँगी, बीच में सेंटर में। और ऐसे मैं डॉट्स बना रही हूँ, बिल्कुल उसको एकदम सनफ्लावर जैसा बनाना चाहती हूँ मैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो गया, और जब ये सूख जाएंगे तो एकदम अच्छे से हार्ड हो जाएंगे, और इनको हार्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़े ही घंटे में बिल्कुल अच्छे से हार्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो है अब मैं दूसरे तरह का फ्लावर बना रही हूँ। तो पहले हमें एक बड़ा सरफेस लेना है गोल सा, और उसको फ्लैट कर लेना है, उसमें ग्लू लगा ले लूँ। अब मैं फ्लावर्स के पेटल्स को जो है वो बनाऊँगी। तो वो आपको नॉर्मली पहले गोल बनाना है, और थोड़ा सा जैसे ड्रॉप शेप में ही लाना होगा उसको। नीचे से आपको पतला करना है, फोल्ड करना है, और ऊपर को, ऊपर का जो पोर्शन है उसको आपको इनवर्ड्स डायरेक्शन में फोल्ड करना है हल्का सा। वो डेफिनेटली जब आप बनाएंगे तो उस टाइम वो खुलने लगता है, पर थोड़ी थोड़ी देर पे आप उसको शेप देते रहेंगे तो थोड़ी देर में वो उसी शेप में आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली मैं सारे पेटल्स वैसे ही बना करके फोल्ड करके उनको स्टिक कर लूँगी। फिर बीच में मैंने एक गोल सा बना के उसके ऊपर चिपका दिया, और किसी भी टूल से, लाइक आप पेंसिल से या फिर किसी भी शार्प चीज़ से उसमें से डॉट डॉट दे सकते हो। ऐसे तरह मेरे ये दोनों फ्लावर्स भी रेडी हो गए, और मैं यहाँ पे एक दूसरे तरह का बना रही हूँ। अगर आपका यू नो आटा जो है, जो डो है, वो अगर आपके हाथों में लग रहा है तो आप कोई ड्राई चीज़ लगा सकते हो, कॉर्नफ्लोर ले लीजिए या फिर आटा ले लीजिए या मैदा कुछ भी ले लीजिए। उससे क्या होगा चिपकेगा नहीं, या फिर नॉर्मली आप टैल्क भी ले सकते हैं किसी तरीके का। मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, और अब मैं उसको सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ। और ये फ्लावर बनाना सबसे इजी होता है, एकदम आराम से फटाक से बन जाता है। और एक छोटा सा गोला मैं बनाऊंगी और उसको बीच में स्टिक कर दूंगी, एंड टडा, यू आर गुड टू गो। जैसे मैंने इसमें डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स लगाए हैं, तो आप चाहें तो कोई एक इसमें से चूज़ करके, जो भी आपको सबसे ईजी लगे बनाने में वो आप चूज़ करके वो बना सकते हैं। अब एक जो है मैंने बॉल बना के उसको फ्लैट किया, और एक ब्रश की हेल्प से लेके, मतलब जो भी आपके पास कोई भी शार्प चीज़ लीजिए और उसको होल्ड करके सारे साइड से दबा दीजिए। ये बिल्कुल यू नो जैसा ट्यूलिप होता है ना, वैसा बन जाएगा। तो या फिर मॉर्निंग बेल जो फ्लावर होता है, बिल्कुल वैसे शेप में बन जाएगा। और लीव्स आप नॉर्मली बना सकते हैं, बिल्कुल क्ले बनाने के टूल्स भी आते हैं, बट मैंने यहाँ पर नॉर्मल सीजर, नाइफ, ब्रश, यही सब चीज़ें यूज़ की हैं। लीव्स के लिए आप एक लंबा सा रोल करिए, उसके बाद उसको फ्लैट करिए, और दोनों साइड से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। और कोई भी शार्प चीज़ लेके उस पर यू नो उसकी जो वेन्स होती हैं वो आप बना सकते हैं, और उसको हल्का सा टिल्ट कर दीजिए ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए। और अब ये जो सारे फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, अब उनको मैं अच्छे से स्टिक करूँगी बारी बारी से। और स्टिक करने के लिए आप कोई भी यू नो ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेविबॉन यूज़ किया, ताकि मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रही थी ये अच्छे से चिपके ना चिपके। उसके बाद मैं सारा जो फ्लावर्स है वो मैं ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर दूँगी। जिस ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर में आप चिपका दीजिए उसको अच्छे से। सारे फ्लावर्स को चिपकाने के बाद जो है मैं बीच बीच में वेन्स बना रही हूँ। तो मैंने बस लंबे लंबे क्ले लेके उसको अच्छे से रोल करके बस उसको कट कर लिया जिस भी शेप एंड साइज़ में चाहिए, और उसको मैं बस स्टिक कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर दूँगी। उसी तरह सारे बीच बीच में भी जो है वैसे ही मैं
कर दूँगी और उसमें मैं हल्का सा डिज़ाइन बना रही हूँ उसे, बस नाइफ से लेके उस पर ऐसे शेप दे रही हूँ। उसी तरह बाकी का आगे भी मैं ऐसे ही जो है पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद जो है मटके के नेक पे जो है ऐसे एक रोल करके पतला सा बॉर्डर जैसा बना रही हूँ। और बस मैंने कुछ नहीं किया है, लंबा सा क्ले जो है एक रोल कर लिया है और ऐसे पार्ट पार्ट में मैं उसको स्टिक कर लूँगी। उसी तरह सिमिलरली मैंने दूसरे पॉट पर भी अच्छे से स्टिक कर लिया है और अब मैं जो है मटके को पेंट कर रही हूँ। तो पेंट करने के लिए जो है मैंने कलर जो यूज़ किया है वो है पर्ल कलर या फिर मेटालिक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा शीन और शाइन होता है। उसी तरह मैंने जो कप वाले भी हैं उनको भी मैंने पेंट कर लिया। बस रफली मैंने जो पर्पल वाला है वो मैंने ड्राई ब्रश मारा है इसलिए उसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट है और उसमें मैंने ब्लू शेड यूज़ किया है। उसके बाद ये देखिए ये मेरे जो दोनों मटके हैं वो एकदम अच्छे से पेंट हो चुके हैं। फ्लावर्स जो हैं वो आप अपने चॉइस के हिसाब से करिए। पर्सनली मुझे ये गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी फिनिशिंग भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो सारे फ्लावर्स हैं सब कुछ मैंने उसी मेटालिक कलर से ही पेंट जो है वो किया है। और या फिर आप मेटालिक कलर यूज़ कीजिए या पर्ल कलर यूज़ करिए, आप कोई भी कलर यूज़ करेंगे उसमें शाइन ऑलमोस्ट रहेगी। मैंने दोनों मिक्स करके यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर लगता है डेकोरेट करने के बाद। और ये बस कुछ कलर्स यूज़ करने हैं आपको। POP जो कि बहुत ही सस्ता सा है, आपको आराम से 30-40 रुपये में मिल जाएगा और उनको लीजिए और बनाइए। बहुत अच्छा सुंदर मास्टरपीस क्रिएट होता है। उसके बाद मैंने ये जो कप वाला है इसके ऊपर मैं बस ऐसे छोटे छोटे जो है मिरर्स लगाऊंगी। किसी भी शेप एंड साइज़ की जो है आपके पास हो वो आप लगा लीजिए। बहुत ही रैंडमली मैं स्टिक कर रही हूँ, कोई शेप एंड साइज़ या ऑर्डर नहीं देख रही हूँ। मैंने बड़े छोटे हर साइज़ के मिरर यूज़ किए हैं, उसको बहुत ही रैंडमली स्टिक कर रही हूँ। और वो जो पर्पल वाला है वो मैं उसको प्लेन वैसे ही छोड़ दूँगी। उस पर मैंने आपको बता दी मैंने ड्राई ब्रश किया था यूज़, इसलिए उसमें ऐसा इफ़ेक्ट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्पल वाले में कैसे इफेक्ट आया, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा था। और ये हमारा मिरर वाला भी जो है वो रेडी हो गया है। अच्छे से आपको मिरर को ड्राई करने दीजिए। ये हमारे सारे मटके जो हैं रेडी हो चुके हैं डेकोरेट करने के लिए।